हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट ढोकला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे ये ढोकला तो है गुजराती डिश, पर मैं इसे बनाऊँगी अपने स्टाइल में। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन में आप हल्दी, नमक और एक चम्मच चीनी डाल दें। उसके बाद पानी डाल के इसे एक डायरेक्शन में हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच इनो डाल के एक ही डायरेक्शन में हमें इसे मिक्स कर लेना बिल्कुल अच्छा। आप देख सकते हो ये बैटर का साइज इंक्रीज हो चुका है और ये फ्लफी हो चुका है। उसके बाद आप बड़े बर्तन में क्या करें, पानी गर्म कर ले। उसके बाद हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद हमें इसमें एक स्टैंड डाल के कंटेनर को हमें इसे डाल लेना है और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हमें इसे कुक करना है। उसके बाद आप इसे चेक करें नाइफ की हेल्प से, आप देख सकते हो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसे निकाल ले प्लेट में और इसे आप स्क्वायर शेप दे दें, अच्छी तरह से कट कर ले। उसके बाद हमें क्या करना है, तड़के की तैयारी करना है। तड़के की तैयारी करने के लिए हमें पैन को हीट करना है। उसमें सरसों तेल डाल के, सरसों आप काली या फिर पीली जो भी ले सकते हो। उसके बाद हमें इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल के हमें इसे सॉटे करना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब हम इसमें क्या करना, अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद एक्चुअली होता ये है कि गुजराती ढोकला में इसमें चीनी भी डलाता, बट मैं इसमें चीनी नहीं डालूँ क्योंकि मैंने ये इसे अपने स्टाइल में बना रही हूँ। आप इस तरह से ऊपर में डाल दें, इस तरह से खाएँ, बहुत ही यम्मी लगता है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।